हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स, मैं भरत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विट्स में। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो लिया है कि हम कैसे बिजनेस स्टडीज में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कैसे बिजनेस स्टडीज के एग्जाम्स को और अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम बिजनेस स्टडीज के मार्क्स से और सब्जेक्ट के मार्क्स को भी अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं अपने एक्सपीरियंस से कुछ अच्छे टिप्स। देखिए, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट्स, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर आप लोगों को लगता है ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। तो जो मेरी पहली टिप है वो है क्लियर योर कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है बिजनेस स्टडीज़ के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो कॉन्सेप्ट उन्हें क्लियर नहीं होते उन्हें छोड़ देते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, चाहे वो कॉन्सेप्ट हिंदी में समझ में आता हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट इंग्लिश में समझ में आता हो, चाहे वो इंग्लिश में समझ में आता हो, सबसे पहले तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। दोस्तों से पूछना पड़े दोस्तों से पूछिए, टीचर से पूछना पड़े टीचर से पूछिए, YouTube की मदद लेनी पड़े तो YouTube की मदद लीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए, मैं एक बात की श्योरिटी देता हूँ, बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है कि वो आपको समझ ना आए। तो सबसे पहला जो मेरी टिप है, क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड्स। देखिए, आप सबको बिजनेस स्टडीज शायद केस स्टडीज़ की वजह से डिफिकल्ट लगती हो। केस स्टडीज़ बहुत डिफिकल्ट नहीं होती, अगर आप केस स्टडीज़ को एक बार थरली पढ़ेंगे तो वो बहुत सारे कीवर्ड्स दे जाएंगे आपको, जिन कीवर्ड्स से आप अपनी केस स्टडीज़ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड्स मेरा सेकंड पॉइंट है, यानी आप अपने जितने भी कीवर्ड्स हैं उन्हें क्लियर कर लीजिए। आपकी मदद के लिए मैंने कीवर्ड्स की एक बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। कीवर्ड्स को अच्छे से समझ लेने के बाद मेरी थर्ड टिप है, वो है रीड ऑल द एग्जाम्पल्स। जितने भी एग्जाम्पल्स बिजनेस स्टडीज़ की बुक्स में आपको मिलते हैं उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके टीचर्स ने भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए होंगे क्लासरूम लेक्चर्स में, तो इन एग्जाम्पल्स को अगर आप समझ जाते हैं तो एग्जाम्पल्स भी कहीं ना कहीं केस स्टडीज़ को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक बार अगर आपको सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो कंटेंट समझना बहुत आसान हो जाएगा। मेरी अगली टिप है माइंड मैप्स। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया है कि माइंड मैप्स बनाने से उन लोगों के एग्जाम्स करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आप लोगों की बुक्स में भी बहुत सारे माइंड मैप्स गिवन होते हैं, आप उन माइंड मैप्स को भी देखिए। माइंड मैप्स भी ना कहीं आपको कंटेंट को रिलेट करने में बहुत हेल्प करता है। इससे आइडिया लग जाता है कि ये कंटेंट कौन कौन से टॉपिक्स में से गिवन है। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्मार्ट रिविज़न। स्मार्ट रिविज़न बहुत अच्छी एक बात ये है, आप जब भी रिवाइज करने जा रहे हो उसको स्मार्टली कीजिए। ऐसा ना हो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ ली है और आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट भूल गए। आप रिवाइज कुछ उस तरीके से कीजिए कि आपको पुरानी चीज़ें भी याद रहें। वैसे बेहतर तरीका तो ये है कि जब आप आगे रिवाइज या आगे या कंटेंट पढ़ने जा रहे हो तो कुछ पुरानी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए, इससे आपको नेक्स्ट चैप्टर को कोरिलेट करने में हेल्प मिलती है। इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट टिप बताता हूँ वो ये है सॉल्विंग लास्ट ईयर सैम्पल पेपर्स। लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर को सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले साल के एग्जाम्स में जो पूछे गए सवाल होते हैं अगर आप उनको समझ जाएं तो आप बिजनेस स्टडीज़ की एक साइकोलॉजी को समझ जाएंगे कि बिजनेस स्टडीज़ का पेपर किस तरीके से आता है। ये पेपर पढ़ लेने से आपका काफ़ी प्रेशर रिलीज हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में आप क्या फेस करने जा रहे हैं। तो मैं इन टिप्स के साथ आपको बहुत सारे विशेष देता हूँ, उम्मीद है कि शायद ये टिप्स आपको हेल्प करें आपके एग्जाम्स को और अच्छा बनाने में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। अगर आपकी भी कोई क्वेरीज है बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, अगर आपको भी बिजनेस स्टडीज में कोई चीज़ डिफिकल्ट लगती है, बिजनेस स्टडीज आपको समझ नहीं आती है, तो भी आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से बात कर सकते हैं। थैंक यू।